सरकार व्यापारियों को दिसंबर 2022 तक बिना लाइसेंस के रिफाइंड पाम तेल के आयात की अनुमति देगी। इस कदम का मकसद घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना और खाना पकाने में उपयोग होने वाले तेल की कीमतों में कमी लाना है। इससे पहले सरकार ने खाद्य तेलों के दाम में तेजी को देखते हुए जून में 31 दिसंबर 2021 तक के लिए रिफाइंड पाम तेल के आयात पर से पाबंदी हटा ली थी। वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि RBD पाम तेल और RBD पामोलिन का आयात 31 दिसंबर 2022 तक बिना लाइसेंस के किया जा सकेगा। हालांकि इसमें कहा गया है कि केरल के किसी बंदरगाह से आयात की अनुमति नहीं है। अब तक ये आयात प्रतिबंधित श्रेणी में थे। इनके आयात के लिए आयातक को DGFT से लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और खाना पकाने के तेल की खुदरा कीमतों को कम करने के प्रयासों के तहत सोमवार को रिफाइंड पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया। संशोधित मूल सीमा शुल्क मार्च 2022 के अंत तक प्रभावी रहेगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी के कार्यकारी निदेशक BV मेहता का कहना है कि मुफ्त आयात अवधि बढ़ाने के फैसले से घरेलू तिलहन प्रसंस्करणकर्ता प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि सरकार ने थोक मुद्रा स्फीति में तेजी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। हालांकि इसे अगले साल मार्च तक ही बढ़ाया जाना चाहिए था। स्थानीय सरसों की फसल मार्च से बाजार में आने लगेगी, इससे घरेलू आपूर्ति बेहतर होगी। सी के अनुसार भारत में खाद्य तेल की खपत 22 से 22.5 मिलियन टन है। भारत इसका 65% दूसरे देशों से आयात करता है। देश मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए 13 से 15 मिलियन टन का आयात करता है। पिछले दो विपणन वर्षों में महामारी के कारण पाम तेल का आयात घटकर लगभग 13 मिलियन टन रह गया। 2019-20 में आयात घटकर 13.2 मिलियन टन रह गया, जिसकी कीमत लगभग 71,600 करोड़ रुपये थी। उनका कहना है कि 2020-21 में भारत ने समान मात्रा में तेल आयात किया, लेकिन आयात बिल में 63% की बढ़ोतरी हुई और खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 1.17 लाख करोड़ रुपए के खतरनाक स्तर को छू लिया। खाद्य तेल का भाव कम करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। इससे पहले दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को बताया था कि हम खाद्य तेल की कीमत और कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुओं की समस्याओं पर ध्यान देंगे। खाद्य तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस साल कई बार रिफाइंड और कच्चे दोनों खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।